हेलो लर्नर्स, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका फिर से स्वागत है। हमने अभी तक उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था हमारा पाठ्यक्रम है, इसकी दो इकाइयों के बारे में हमने आपके साथ चर्चा की है। आज हम इसकी तीसरी इकाई, जिसका नाम प्राकृतिक संसाधन है, हम इसकी बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम प्राकृतिक संसाधन का अर्थ जानने की कोशिश करेंगे, इनके कितने प्रकार होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और आर्थिक विकास में क्या संबंध होता है, इसकी बात हम करेंगे, और उत्तराखंड में प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के बारे में हम बात करेंगे, और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं, ये हम बात करेंगे। सबसे पहले हम प्राकृतिक संसाधन का अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। प्राकृतिक संसाधन में प्रकृति द्वारा विभिन्न प्रकार के उपहार जो हैं वो मनुष्यों को दिए जाते हैं, जिनका मनुष्य अपने दैनिक उपयोग के लिए दोहन करता है। इसमें मुख्य रूप से भूमि, वन, जल, तेल, खनिज आदि प्रकार के जो संसाधन हैं, ये प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अब बात करेंगे प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार की। तो पहले हम बात करते हैं जानकारी के आधार पर इसका वर्गीकरण। तो ये दो प्रकार के संसाधन होते हैं, ज्ञात संसाधन और अज्ञात संसाधन। ज्ञात संसाधन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जिन संसाधनों की जानकारी मनुष्य को होती है वे ज्ञात संसाधन कहलाते हैं, जैसे भूमि, जल, खनिज आदि प्रकार के संसाधन, ये ज्ञात संसाधन कहलाते हैं। और कुछ अभी ऐसे संसाधन हैं जिनके बारे में मनुष्यों को जानकारी नहीं है, तो इन संसाधनों की खोज में मनुष्य लगातार प्रयास करते रहता है। इस प्रकार के संसाधन जो हैं वो अज्ञात संसाधन कहलाते हैं। बात करें उपलब्धता के आधार पर, तो ये दो प्रकार के संसाधन होते हैं। पहला होता है नवीनीकरणीय संसाधन, वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग करने के बाद फिर से पुनर्स्थापित किया जा सकता है और इनका बार बार उपयोग किया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वन, भूमि, जल संसाधन, ये नवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं। दूसरा प्रकार जो है वो कहलाता है अनवीनीकरण संसाधन, वे संसाधन जिनके भंडार में प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा पुनर्स्थापन नहीं होता है और अगर हम इनका लगातार उपयोग करते हैं तो ये संसाधन जो हैं ये समाप्त हो जाते हैं, जैसे तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला आदि। अब हम बात करेंगे प्राकृतिक संसाधन व आर्थिक विकास में संबंध की। तो जैसा हम जानते ही हैं कि मनुष्यों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता होती है और इन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। अगर हमारे पास अधिक संसाधन हैं तो इससे अधिक आर्थिक विकास संभव होता है, और यदि हमारे पास कम संसाधन हैं तो हम आयात द्वारा इसकी पूर्ति कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे भूमि संसाधन के बारे में। देखिए, कृषि कार्य के लिए या उद्योगों की हमें अगर स्थापना करनी है, सेवाओं की सेवा देनी है, तो इसके लिए हमें क्या होती है कि भूमि की आवश्यकता होती है। अगर हमारे पास अधिक भूमि है तो इससे हम अधिक उत्पादन कर सकते हैं, उद्योग लगा सकते हैं, और अगर हमारे पास विविध प्रकार की उपजाऊ मिट्टी है और अनुकूल जलवायु व जल भी है तो कृषि फसलों के लिए ये अधिक उत्पादन के लिए आवश्यक हो जाता है। अब बात करेंगे जल संसाधन की। तो कृषि उत्पादन में सिंचाई के लिए हम जल का उपयोग करते हैं, अपने दैनिक उपयोग में पेयजल, साफ सफाई आदि के लिए हम जल का उपयोग करते हैं, और नदियों का उपयोग करते हैं जिससे हमें मत्स्य संसाधन भी मिलते हैं, और इन्हीं नदियों में से हम विद्युत का उत्पादन भी कर सकते हैं। बात करें वनों की, तो वनों से हमें अनेक प्रकार के ईंधन, जड़ी बूटी, इमारती लकड़ी और स्वच्छ हवा आदि प्रकार के उत्पाद मिलते हैं। वनों से जो भूक्षरण की समस्या है ये कम होती है और पशुओं को चारा भी मिलता है। और खनिजों की उपलब्धता की बात करें तो ये उद्योगों के विकास के लिए काफ़ी सहायक होते हैं और खनिजों की विविधता व अधिकता क्षेत्र की समृद्धि को बढ़ाने में सहायक होती है। आपको अपनी स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा कि जैसे जैसे हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कृषि कार्य में करते हैं या उद्योगों में करते हैं या सेवाओं में करते हैं, तो इससे क्या होता है कि रोजगार में वृद्धि होती है। रोजगार में वृद्धि के साथ साथ हमारी जो आय है ये बढ़ती है, और इसके साथ साथ जो आर्थिक विकास की गति है इसमें तेजी देखने को हमें मिलती है। इसी को हमने पॉइंट वाइज लिखा है यहाँ पे। अगर हम बात करें उत्तराखंड में प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता की,
तो भूमि संसाधन के अंतर्गत हम देखते हैं कि कुल क्षेत्रफल उत्तराखंड का जो है वो 53,483 वर्ग किलोमीटर का है। अगर भूमि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड जो है भारत का 18वां सबसे बड़ा राज्य है। उत्तराखंड का लगभग 86% जो भाग है ये पर्वतीय क्षेत्र है। इसके अंतर्गत जो क्षेत्रफल आता है वो 86,035 वर्ग किलोमीटर है। 14% भूभाग जो है ये प्रदेश का मैदानी भूभाग है। बात करते हैं वन संसाधनों की, तो प्रदेश में लगभग 63.51% जो क्षेत्र है ये अभिलेखित वन क्षेत्र है। इसके अंतर्गत क्षेत्रफल आता है 38,116.62 वर्ग किलोमीटर। प्रदेश में विविध प्रकार की वनस्पतियाँ व वन्यजीव पाए जाते हैं, जिससे हमें जड़ी बूटियाँ, ईंधन की लकड़ी, फर्नीचर और अन्य प्रकार के महत्वपूर्ण उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं। बात करें वन संसाधनों की, तो वन विभाग के अनुसार उत्तराखंड में 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। पहला तराई भाबर के वन, दूसरा है तराई भाबर के मिश्रित वन, तीसरा प्रकार है बाह्य हिमालय के वन, चौथा प्रकार है मध्य हिमालय के वन और पांचवा है आंतरिक हिमालय के वन। सबसे पहले बात करते हैं तराई भाबर के वनों की, तो ये 600 मीटर की ऊंचाई तक जो क्षेत्र होता है उसमें पाए जाते हैं। प्रदेश में ये हरिद्वार, उधम सिंह नगर व नैनीताल जिलों के दक्षिणी भागों में पाए जाते हैं और इनमें यूकेलिप्टस, पॉपुलर आदि प्रकार की प्रजातियाँ जो तेजी से साथ बढ़ती हैं इनका रोपण किया जाता है। इन क्षेत्रों के आसपास जो है ये शीशम व खैर के प्राकृतिक व कृत्रिम वन भी पाए जाते हैं। यूकेलिप्टस और पॉपुलर जिस प्रकार की प्रजातियां हैं इनका अधिकतर उपयोग जो है ये औद्योगिक कार्यों के लिए होता है। अब बात करें तराई भाबर के मिश्रित वनों की, तो ये 600 से 1500 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन होते हैं। मुख्य रूप से ये प्रदेश के देहरादून, नैनीताल, लैंसडाउन व चंपावत वन प्रभाग के दक्षिणी भागों में पाए जाते हैं और इसमें साल व सहयोगी प्रजातियों के साथ साथ कोमल कास्ट के जो वृक्ष होते हैं जैसे सेमल, एलेंथस, हल्दू, बांस आदि प्रकार के ये वन तराई भाबर के मिश्रित वनों में देखने को मिलते हैं। तीसरे प्रकार के जो होते हैं बाह्य हिमालय के वन, 1500 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। चकराता, मसूरी, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ आदि वन प्रभाग जो हैं ये यहाँ फैले हुए वन हैं। इन वनों में मुख्य रूप से चीड़, मेहल, आंवला, थुन आदि वृक्षों की प्रजातियां हमें देखने को मिलती हैं। मध्य हिमालय के वन की बात करें तो ये 2000 से 2500 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। प्रदेश में ये चकराता, टोंस, उत्तरकाशी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, बागेश्वर आदि जो वन प्रभाग हैं यहाँ पाए जाते हैं और इन वनों में बांज और देवदार के वृक्ष हमें अधिक देखने को मिलते हैं। पांचवें जो प्रकार है आंतरिक हिमालय के वन, ये 2500 से 3000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वो प्रदेश में ये उत्तरी भाग में जो है यहाँ पाए जाते हैं और इसमें वन वृक्ष युक्त वनों में स्प्रूस, कैल, बुरास आदि के वृक्ष पाए जाते हैं और वृक्ष रेखा से ऊपर यानी कि 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं यहाँ हमें बुग्याल और अन्य प्रकार की जो जड़ी बूटियाँ और घास की प्रजातियाँ हैं ये इन क्षेत्रों में देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं प्रदेश में संरक्षित वनों की, तो संरक्षित वन का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है ये लगभग 14.36% क्षेत्र जो है ये संरक्षित वनों के अंतर्गत आता है। प्रदेश में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं जिसमें कॉर्बेट, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख हैं। बात करें कॉर्बेट की तो ये देश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान भी है और फूलों की घाटी जो है इसको विश्व धरोहर स्थल में सम्मिलित किया गया है। बात करते हैं वन्य जीव विहार की, तो प्रदेश में 7 वन्य जीव विहार हैं, आप अपनी स्क्रीन पे इसे देख सकते हैं। इसके बाद आता है संरक्षित आरक्षिति की यानी कि जिसे हम कंजर्वेशनल रिजर्व भी कहते हैं, तो इनकी संख्या प्रदेश में 4 है, झिलमिल झील, आसन वेटलैंड, पवलगढ़ और नैना देवी हिमालयन पक्षी संरक्षण आरक्षिति, ये 4 प्रकार के संरक्षण आरक्षिति प्रदेश में पाए जाते हैं। बात करें जीव मंडल रिजर्व की, तो प्रदेश में नंदा देवी संरक्षित जैव मंडल भी है। इसके बाद हम बात करेंगे
प्रदेश में पाए जाने वाले जल संसाधनों की। जैसा हम सब जानते ही हैं कि जो हमारा प्रदेश है उत्तराखंड, इसमें कुछ प्रमुख ग्लेशियर जैसे गंगोत्री, पिंडारी, मिलम, खतलिंग, चौराबाड़ी आदि प्रकार के ग्लेशियर हमारे प्रदेश में उपलब्ध हैं। बात करें प्रमुख नदियों की तो अलकनंदा, भागीरथी, पिंडर, यमुना, टोंस, काली, सरयू, रामगंगा आदि जो प्रमुख नदियां हैं ये प्रदेश में देखने को मिलती हैं। और प्रमुख ताल व झीलों की बात करें तो यहाँ नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, हेमकुंड आदि प्रकार के ताल जो हैं ये हमें प्रदेश में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे प्रदेश में उपलब्ध खनिज संसाधनों की। तो प्रदेश में मुख्य रूप से जो पाए जाते हैं वो है फास्फोराइट, जिप्सम, चूना पत्थर, मैग्नेसाइट, सोप स्टोन, बेराइट्स और आदि। इसके अलावा रोड़ा, बजरी, रेता, पत्थर के साथ साथ अभ्रक, ग्रेफाइट, पारा व गंधक आदि प्रकार के खनिज संसाधन हमारे प्रदेश में पाए जाते हैं। और प्रदेश में यूरेनियम के भी संकेत प्राप्त हुए हैं। अब हम बात करेंगे प्राकृतिक संसाधनों की समस्याओं की। तो जैसा हम जानते ही हैं कि बढ़ती जनसंख्या की जो आवश्यकताएं हैं इनको पूरा करने के लिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना पड़ता है। और जैसे जैसे हम इनका दोहन करते हैं तो इसके साथ साथ कुछ समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं, जैसे वन क्षेत्र में कमी, भूस्खलन की समस्या, भूक्षरण, बाढ़ जैसी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं, ग्लेशियरों का कम होना और नदियों के जल प्रवाह में कमी, ये आदि प्रकार की जो समस्याएं हैं ये हमें प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के साथ देखने को मिलती हैं। और जैसा हम देखते हैं कि वनों में मानव के जो हस्तक्षेप है ये बढ़ता है, तो इसके कारण वनाग्नि की घटनाएं हम अपने प्रदेश में देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ वन्य जीवों व मानवों के जो बीच में संघर्ष है ये बढ़ता हुआ हमें प्रदेश में दिखता है। वन्य जीवों की कुछ प्रजातियाँ जो हैं ये लुप्त होने के कगार पर भी आ गई हैं। और चारागाहों के लगातार उपयोग से भूमि बंजर होती जा रही है और भूगर्भीय जल यानी कि जो ग्राउंड वाटर है इसके अधिक प्रयोग के कारण जो हमारा जल स्तर है इसमें हमें लगातार कमी देखने को मिलती है। और वैश्विक तापमान के बढ़ने से हम देख पा रहे हैं कि मानसून में भी परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। तो इस इकाई में हमने प्राकृतिक संसाधनों को जाना, इसके अर्थ को समझने की कोशिश करी, इसके विभिन्न प्रकारों को जाना और आर्थिक विकास में प्राकृतिक संसाधन किस प्रकार से सहयोग देते हैं इसको हमने जाना। अगली हम इकाई में बात करेंगे भूमि उपयोग के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।